ताज नगरी आगरा की पहचान विश्व स्तर पर की जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आगरा में विश्वदायी इमारत ताजमहल विराजमान है और जिसका दीदार करने के लिए देश विदेश से पर्यटक आगरा पहुंचते हैं। तो आगरा की बेहद जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आगरा स्वच्छ और साफ नजर आए, जिसके लिए आगरा के स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी की जा रही है। अब एक नए अभियान के तौर पर आगरा को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए आगरा के स्मार्ट सिटी ऑफिस के कंट्रोल रूम से एक नई तैयारी की जा रही है, नए अभियान की शुरुआत की जा रही है और हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर पूरे आगरा शहर को। आगरा शहर अगर आप घूमने जाएंगे तो हो सकता है आपको लंबा वक्त लगे, लेकिन हम आपको यहाँ कंट्रोल रूम से दिखा रहे हैं पूरा आगरा शहर है। हर प्रमुख चौराहा है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चौराहे तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं। और ये जो दूसरा पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें डिटेक्टिव चीजें जो पैसिफिक हो रही है, फोटो हैं जिनको चिन्हित किया गया है कि जो लोग गंदगी फैलाने के लिए आगे आए हैं, जिन्होंने गंदगी की है, उन इमेजेस को यहाँ स्टोर किया गया, उनको वेरीफाई करने के लिए रख किया जा रहा है। दूसरे पार्ट में आप देख रहे हैं तमाम चौराहे हैं, शहर का नजारा आपको नजर आ रहा है और ये वही वजह है, ये वही कंट्रोल रूम है जहां से आगरा शहर को स्वच्छ और साफ रखने का एक नया अभियान शुरू हुआ है। क्या पूरी तैयारी है, किस तरह से व्यवस्था की गई है, इस पूरी बातचीत के लिए हमारे साथ कंट्रोल रूम प्रभारी सौरभ अग्रवाल जी हैं, उनसे जानते हैं कि आगरा शहर को स्वच्छ रखने की ये एक नया अभियान शुरू किया गया, कितनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। तो सौरभ जी, एक नई तैयारी की है, आगरा ताज नगरी है, ताज नगरी के चलते एक बेहद जिम्मेदारी हमारी बड़ी हो जाती है कि हमारा शहर साफ, किस तरह से पूरी तैयारी। देखिए, आगरा स्मार्ट सिटी में IEEE एक बनाया गया है जो उसको हम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहते हैं। इससे अभी तक हम लोगों ने 1523 कैमरे लगाए हैं जो अभी तक CCTV सर्वेलेंस के लिए काम करते थे, जो सुरक्षा की दृष्टि से काम करते थे। अब इसी इन्हीं कैमरों की मदद से हम शहर की सफाई पर भी फोकस कर रहे हैं। जहाँ कहीं पर भी कूड़ा अगर पड़ा हुआ है तो उसका अलर्ट हम लोग ले रहे हैं और उसके थ्रू उसकी सफाई के लिए संबंधित को भेजा जा रहा है। इसमें AI का यूज हम लोगों ने करा है कि AI एनालिटिक्स के थ्रू सड़क पर जो भी कैमरे लगे हुए हैं, जो स्मार्ट सिटी ने लगाए हैं, उनके फ्रेम में अगर कहीं कोई कूड़े जैसी चीजें दिखाई देती हैं या कूड़ा दिखाई देता है या सिल्ट दिखाई देती है तो उसका तुरंत के तुरंत अलर्ट हमारे सिस्टम पर आएगा और उसको हम संबंधित SFI को भेज दे रहे हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा था जिसको कि अभी हमने पिछले 1-1.5 महीने में काफी अच्छे से टेस्टिंग करके इम्प्लीमेंट करा है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट फेज पर इसमें जा रहे हैं जिसमें कूड़ा डालने वालों को हम पकड़ेंगे। कूड़ा डालने वालों के लिए AI एनालिटिक्स तैयार हो रही है और उसका जल्दी ट्रायल हम स्टार्ट करने वाले हैं जिससे कि कूड़ा आने का रीजन पता चल सके। कोई तो कूड़ा आ रहा है उसको डालने वाले जब तक नहीं पकड़े जाएंगे तब तक शहर साफ नहीं होगा। तो हमारा फोकस अब यही है कि हम उनको पकड़ें और उसकी वीडियो फुटेज को हम कैप्चर करेंगे जो कि वहाँ के संबंधित SFI होंगे या सैनिटरी सुपरवाइजर हैं, वो उनको आइडेंटिफाइड करेंगे और उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। बैग पूरा फेंकने वालों को चिन्हित किया जाएगा वीडियो और इमेजेस के जरिए और उसको वेरीफाई करके उनके कार्रवाई की बात कर रहे हैं। किस तरह की कार्रवाई आगे हम देख सकते हैं, जो लोग शहर को गंदा कर रहे हैं उनको रोकने के लिए, रोकथाम के लिए या फिर कड़ी कार्रवाई के लिए आगरा नगर निगम और स्मार्ट सिटी तरफ से कैसे आगे आ जाए। देखिए, उसमें एक तो जुर्माने का प्रोविजन है, जुर्माना किया जा सकता है। उनको हम पेपर में पब्लिसाइज भी कर सकते हैं, अगर किसी की फोटो हम पब्लिसाइज करेंगे कूड़ा फेंकते हुए तो उनको थोड़ा सा गिल्टी फील होगा तो वो उस चीज को भी रोकने में सहायक हो सकते हैं। उसके अलावा जो फिर न्यायालय से और भी प्रोविजंस हैं जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल कहता है उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई नगर निगम करती है। पहले फेज का काम लगभग पूरा हो गया, आपका टेस्टिंग का काम पूरा हो गया, किस तरह की सफलता अब तक आपको मिलती नजर आ रही। पहले फेज में हम लोगों ने जो आइडेंटिफाइड करा था कि कूड़े के ढेर जहाँ जहाँ मिलते थे हम उनके फोटो भेजते थे, वो रेगुलर बेसिस पर हो रहा है। और जब हमने स्टार्टिंग किया था तब अलर्ट काफी ज्यादा आ रहे थे, कम से कम 50 एक अलर्ट डेली आ जाते थे हमारे पास में। बट अब ये संख्या कम हुई है, ये अब हमारे पास 20 के आसपास अलर्ट आने शुरू हुए हैं। तो उससे लग रहा है कि हाँ, कैमरे से जो हम आइडेंटिफाइड कर रहे हैं उसका असर हो रहा है। शहर और ज्यादा स्वच्छ और साफ नजर आएगा। तो देखिए, आप सतर्क हो जाइए, अगर आप ताज नगरी आगरा को आप गंदगी करेंगे, कूड़ा डालेंगे, तो स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम की तीसरी नजर आपको देख रही है और आने वाले वक्त में आप पर
कार्रवाई भी हो सकती है। हम आपको दिखा रहे हैं लगातार ये स्मार्ट सिटी ऑफिस है और यहाँ लगातार काम चल रहा है, काम सुरक्षा की दृष्टि से भी, जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनका काम किया जाता है। इसके साथ ही अब शहर को स्वच्छ और साफ रखने के लिए भी स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम का प्रयोग किया जा रहा है। 1523 कैमरे जो तीसरी नजर बनकर ताज नगरी की सुरक्षा के साथ साथ साफ सुथरी छवि को भी अब पेश करने के लिए आगे आएंगे और उसका एक परिणाम भी, सार्थक परिणाम भी सामने आता हुआ नजर आ रहा है। और स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम से हो रही लगातार निगरानी का असर शहरवासियों को भी नजर आएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।